इस तरह की हुई है कि चाय वाय बना लिया, रस सब चाय और रस का एकदम मजे लूट रहे 4 बजे उठे हैं। हाँ, गाना चला के सोए। चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। दिमाग भाई साहब कितनी हवा चले ना थी, ठंडी हवा ना पूछो मत, भयंकर वाली। सुबह के 7-7:30 बज गए, बट ठंड अभी बहुत तगड़ी वाली है। वाह क्या नज़ारा गंगा किनारे का सुबह सुबह का। ओहो हो क्या रखा है शहर की भीड़ भाड़ में, बट वही है कि यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते। कहाँ मिलेगा ऐसा सुकून, ये पानी की धारा, ये मौसम और ये व्यू अमेजिंग यार। यहाँ पर इंसान कितनी बार भी आ जाए ना बोर नहीं होगा। तो ये सारी नाव है, एक्चुअली टिकट काउंटर वो है जहाँ से आप टिकट कटाओ और फिर आपको यहाँ से वहाँ जाना हो या फिर उसका सैर सपाटा करना हो तो उसके लिए है। क्या चार्जेस हैं, कल देखे थे ना आप, कितना चार्जेस बोला था? 540 रुपये। अच्छा 50 रुपये में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और हेड लोकल डिस्काउंट 10 रुपीज़। बाकी चलते हैं कुछ नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह बहुत सारी फोटोग्राफी होगी अपनी, देखते हैं बड़ा खाते हैं डोसा खाते हैं क्या खाते हैं। बट सुबह का ब्रेकफास्ट बस, सुबह सुबह का नाश्ता हो गया हमारा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, वड़ा, इडली, सब एक एक प्लेट। इडली, वड़ा, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, मजा नहीं है, नाश्ता हो गया सुबह सुबह। वैसे तो अपना चेकआउट का टाइम हो गया था 12 बजे, मतलब 10 बजे का चेकआउट टाइम है, बट 12 बज गए मैं निकलते निकलते, तो फटाफट से अपनी गाड़ी ले लेते हैं। लक्ष्मण झूला के साइड में जो है ना पुलिस स्टेशन के पीछे पार्किंग है बड़ी सी, तो वहाँ पार्किंग में आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो और फिर इट्स सेफ ऑल्सो, तो अपनी गाड़ी निकालते हैं फटाफट से। वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल टू, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो बस हम लोग तैयार हो गए हम निकलने के लिए, एक्चुअली होटल से चेकआउट कर दिया, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कानातिल, तो कानातिल चलते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं। अरे भाई तुम बहुत दुखी कर रहे हो 5 मिनट के लिए। तो हम लोग वी आर ऑल सेट टू गो टू कानातल, तो कानातल यहाँ से जो है ज़्यादा डिस्टेंस है भी नहीं और 2.5-3 घंटे लगेंगे, तो कानातल जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है घूमने फिरने के लिए। तो आज का हमारा स्टे कानातल में होगा, अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं, तो वहीं पर जाएंगे, वहीं पर स्टे लेंगे, वहीं पर होटल वोटल लेंगे। कितना दिखा रहा है? 84 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो फटाफट से जर्नी शुरू करते हैं आज की फ्रेश टुवर्ड्स कानातल, लेट्स गो। तो इसी के साथ ऋषिकेश को हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल मार्केट की तरफ से। अब 4 जुलाई के बाद से जब लक्ष्मण झूला एक्चुअली में चालू हो जाएगा तब हुआ करेगी यहाँ पे मस्त भीड़, मस्त भीड़ मतलब मस्त वाली भीड़। Continue on National Highway 7 for 1.5 kilometers. Okay.
इतने मस्त रोड है ना यार, इतने मस्त रोड है। देखो क्या मस्त रोड्स बना रखी है ना बीआरओ ने। मतलब जब ये चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी ना अप्रैल से, अप्रैल में खुल रहा है इस बार वो क्या कहते हैं आपका चार धाम वाला केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सब जो अप्रैल में ही खुल जाएगा। मस्त रोड मिलेंगे यार सबको। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, अब तो देखो नरेंद्र नगर पहुंच गया, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जा रहा मौसम भी बदलता जा रहा है। ट्रेन बदलेगा, मौसम बदलेगा। गंगोत्री 247 किलोमीटर, यमुनोत्री 232। नहीं है भाई यार, मतलब इट्स सो अमेजिंग। ओ तेरी, ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, इसमें तो ऐसे ही मिलेगा आपको हमेशा ही। अगर ये ऊपर से पानी जो आ रहा है ना, अगर इसका कोई उपाय बन जाए तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। अभी तो मैं वो ऊपर तक जाना है। ओह शिट, पहाड़ों में ना ये गलती नहीं करनी चाहिए भाई। ओवरटेक कर रहे हो वो भी तुम टर्न पे, आगे से बस आगे थे, बट वही है ना यूके नंबर है तो कुछ नहीं हुआ भाई। अगर कोई डेली वेली वाला होता ना बस वाला तो साइड भी देता। ये तो देखा हुआ है, ये तो नोन चीज है, ये आपस में तो कर लेते हैं दूसरों के लिए। तो क्या बादल लग रहे हैं यार यहाँ पे, अमेजिंग यार। वो देखो गजब यार, ये है ना व्यू तो क्या। ट्रेन चेंज हो रहा है ना, और क्या मौसम सही लग रहा है। अब ऐसे ऐसे धूप भी निकली हुई है ना, इसमें भी सही लग रहा है यहाँ पे जाने में। मतलब कि सही मौसम हो रहा है, सही। तो अभी हम लोग रुके हैं खाड़ी में, एक जगह है जो आपका ऋषिकेश रोड पे पड़ेगा उत्तराखंड, और वहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क करती है। ये ऐसा कुछ गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ी बड़ी मार्केट थी तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाएगा खाने पीने का। अपना शाम का अगर प्रोग्राम मिल जाता तो यहाँ से अपना चिकन विकन ले लेते हैं, तो शाम को अच्छा बना लेंगे। अब यहाँ से चंबे का जो रास्ता है ना वो 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर टोटल हमारा 40 किलोमीटर के आसपास का था ना, 35 तो मतलब आराम से 19 किलोमीटर चंबा क्रॉस करते ही थोड़ा दूर पे ही कानातल आ जाएगा। तो फटाफट से पहुँचते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, फिर वहाँ पे हमने होटल भी देखना है। ये पूरा चंबा शहर, तो जब आप कानातल के लिए जा रहे होंगे ना तो रास्ते में आपको चंबा पड़ेगा। चंबा से फिर जो है 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर पड़ता है कानातल, और यहाँ से नई टिहरी का रास्ता भी जाता है, और वहाँ पे अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं अगर हम टिहरी गए तो। लेट्स सी, वहाँ की आशीष शॉपिंग में लगा हुआ है भाई साहब, इसने अभी जो है यहीं पर चंबा में ये वाली जैकेट खरीदी है, मस्त लग रही है वैसे पहनने के बाद। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। मालिक धो लो, पैसा मेरे से लेना। इतनी गंदी हो गई थी किसी ने लिख ही दिया बेचारे को। बाकी सबकी शॉपिंग वॉपिंग हो गई और हम निकले चंबा से, और भाई मौसम ही बदल गया, बारिश होने लग गई है। क्या वेदर हो रहा है, वाह क्या वेदर हो रहा है। और ये बारिश भी नहीं है, ये हल्के ना छोटे ओले के दाने हैं जो गिर रहे हैं। वेरी नाइस। बस ये जो रॉ वुड रेस्टोरेंट है ना, इसका भी स्टे अच्छा है। एक्चुअली ये लग्जरी स्टे है बट है अच्छा। क्या सीनिक व्यू है और अमेजिंग रोड्स हैं। मतलब रोड इतने पतले हैं, मतलब ज़्यादा चौड़े तो नहीं है, मतलब चंबा के पास से ना रास्ते थोड़े से पतले हो जाते हैं, बट स्टिल इट्स गुड। मतलब दो गाड़ियों के लिए तो ठीक ही है यार। और स्टे के ऑप्शंस भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, पहले तो नहीं थे इतने स्टे के ऑप्शंस, बट अब स्टे के ऑप्शंस बढ़ गए। पीछे एक रॉ वुड निकला है, मतलब थोड़ा सा अच्छा स्टे है, लग्जरी स्टे है, अच्छा रेस्टोरेंट भी उनका अच्छा, खाना पीना अच्छा है। बट अभी हम जा रहे हैं किसी और पे, मतलब हमेशा एक ही पे नहीं जाना चाहिए, दूसरे को ट्राई करना चाहिए। वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस। क्या अमेजिंग सी ब्यूटी है ना यार यहाँ की, यार अमेजिंग ही ब्यूटी है। और गाड़ी ने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब अब फिक्स हो गया कि यार अगर पहाड़ों पे आएंगे ना तो इसी को लेकर आएंगे यार। तो हमने स्टे ले लिया, अब स्टे ना बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा। मतलब ना अगर आपको मैं व्यू दिखाऊंगा ना तो आप हिल जाओगे कि यहाँ का क्या व्यू है। न्यू प्रॉपर्टी है और रिसेंटली अभी मतलब चलना शुरू हुआ है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। इनके ना तीन फ्लोर पे हैं, एक ऊपर वाले फ्लोर पे है रूम, एक इस फ्लोर पे है, एक नीचे वाले फ्लोर पे है। मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ, सब एक रूम दो रूम, दो ही रूम है।
ये रूम की एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ना थोड़ा सा स्पेस है, फिर वॉशरूम है, वॉशरूम भी ना काफ़ी बड़ा है इनका, बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा वॉशरूम तो भाई यही हो सकता है। बाकी बस इस दरवाजे की हाइट छोटी है, मेरे सर पे लग गई। बाकी ये अपना एंट्री है, एंट्री करते ही आपका एक डबल बेड लगा हुआ है, बहुत बड़ा बेड नहीं है बट हाँ डबल बेड इज गुड इनफ, मतलब तीन लोगों के लिए तो बहुत आराम से आप सो सकते हो। इन्होंने यहाँ पे टेबल लगाई हुई है सामान रखने के लिए, टीवी नहीं है बट टीवी भी जल्दी आ जाएगा, और प्लस एक ये कबर्ड सा है सामान वामान रखने के लिए, विच इज़ नाइस यार, मतलब डिसेंट है। एक तो ये हो गया, लाइट भी ठीक ठाक है दीवार पर, देख रहे हो अब तो हर जगह ही चलने लग गया है, थोड़ा सा सर बचा के चलना पड़ेगा। और इस रूम से निकलते ही ना ये व्यू है, देख रहे हो, और ये भी जगह आपकी। तो हमारा जो बारबेक्यू का सारा सामान है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम एक्चुअली यहीं पे लगाने वाले हैं आज शाम को ना, यहाँ पे आप आराम से बैठो, वर्क फ्रॉम माउंटेन करना है ना, इससे बेस्ट जगह कुछ नहीं हो सकती है। और पूरा खुला एरिया है, और पूरा खुला एरिया है, इतना ब्यूटीफुल ना, अब सनसेट होने ही वाला है तो इसके बाद आपको सनसेट दिखाई देगा, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो स्टे मिला ना बहुत ही अच्छा स्टे मिला है, अभी आपको ना कुछ शॉट्स मिलेंगे मे बी अगले व्लॉग में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही व्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाए, और जब मैं एडिट करने बैठता हूँ ना तो मुझे लगता है ये हटा दूँ, ये काट दूँ, ये काट दूँ, बहुत सारी चीज़ें काट देता ना, फिर लगता है यार सारी चीज़ें तो काट ही दी तो फिर दिखाऊँगा क्या। इसलिए मेरे व्लॉग थोड़े बड़े होते हैं बट इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और थोड़ा अच्छे से डिटेल में मैं दिखाता हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हम आए थे ऋषिकेश से कानातल के लिए, यहाँ से आप मसूरी भी जा सकते हो, धनौल्टी जा सकते हो, ये सब आसपास में पड़ते हैं आपको, तो इट्स अ नाइस प्लेस जहाँ पे कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए, और स्टे का भी अच्छा ऑप्शन है। इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, प्लस भैया का नंबर और लोकेशन, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आ सकते हो अगर आप कानातल का प्लान कर रहे हो। और मौसम तो आपने देखा ही, क्योंकि अच्छा हो गया, क्योंकि अभी जस्ट बारिश हुई है हल्की फुल्की, और उसकी वजह से ना ग्रीनरी ना इतनी ज़्यादा लग रही है ना, अब सब कुछ ना इतना उभर के आ रहा है ना कि मतलब आप पूछो मत। स्पेस है, आपको अगर पैदल चल के ट्रेल पे जाना है, थोड़ा घूमना फिरना है तो आप जा सकते हो, वहाँ पे बैठ के आप सनसेट एंजॉय करो, वैसे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सनसेट आप यहाँ बैठ के एंजॉय करो या वहाँ आगे चले जाओ, ये आपके ऊपर है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, कमेंट पे से करते नहीं हो बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय 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 फ्रॉम कानातल।